कुछ बातें बता दूं कि वहां पर हम लोग जो घर मतलब अभी ये घर के पलटी में मतलब जो भी है तो हम लोग घर देख रहे हैं। मैं दूध छुड़ा रही थी क्योंकि मतलब हो गया 2 साल का हो जाएगा ना अगस्त में वो। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है और स्वस्थ है। तो गाइस हमारी सुबह हो चुकी है, हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और अभी हम खेल रहे थे महाद के साथ। अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 और आज क्लाइमेट मतलब काफी ठंडा है क्योंकि रात में बारिश हुई आधी रात तक, तो मेरे को इतनी सुस्ती आ रही है। एक तो मैं उठ नहीं पाता हूँ, शबनम उड़ी आती है सुबह सुबह और मुझे उठाते तो मैं उठ नहीं पाता हूँ, एकदम मतलब सुस्ती आती है। 8:30 बजे आज मैं उठा हूँ और नाश्ता पानी करके अब 9:30 हो गए। तो हमने जैसे आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखे कि बर्ड्स का राला खत्म हो गया था तो हम लोगों ने वो लेके आए और अभी मैंने उन लोगों को डाला हूँ। अब रात में वहां पे साफ सफाई कर लूंगा उनके पिंजरे की क्योंकि गंदगी हो गई है अंदर, तो अभी खाली राला और पानी डाल दिया हूँ मतलब। एंड अभी मुझे जाना है काम से और मैं अभी बिना टाइम पास करे बिना देरी करे यहाँ से निकलूंगा। मतलब वो गाड़ी भी मेरे को बनाने देने का है तो हम लोग वहां भी जाने वाले देखने के लिए। और महाद बाबू सुबह से इतनी मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह आके कुछ बोल रहे हैं और हम लोग के पास मतलब आके ना हम लोग दोनों ऐसा दूर दूर बैठे थे और हम लोग दोनों ऐसा बोल रहे थे आओ महाद आओ किसके पास आता किस, तो पहले शबनम के पास गया महाद फिर मेरे पास आया। मतलब हम लोग दोनों का दिल रखा, एक बार शबनम के पास एक बार मेरे पास, तो माशाल्लाह समझदार है बच्चा। और चलो मैं निकलता हूँ इस काम पे बिना देरी करते हुए, तो मेरा डब्बा होगा सब। अरे हाँ यार मैंने कल कबर देखा ही और मेरा डब्बा वगैरह भी सब बन चुका है मस्त एकदम। तो आइए कबर देखते हैं शबनम ने क्या करे। बिस्मिल्लाह, ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार बेगम साहिबा, बहुत ही बेहतरीन कर दी तुमने। उसमें भी छोटे पड़ रहा था, वो कपड़े बहुत एक्स्ट्रा हो गए। अरे वाह, देखे अब कितनी जगह होगी, देखे भर दिए पूरा। तो अरे तो नीचे की लाइन घुसा घुसा के रखना पड़ा था, बहुत ज्यादा कपड़े। मस्त मस्त यार, एक नंबर, दिल खुश कर दिए देखो यहाँ पर भी। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बेहतरीन एकदम। तो गाइस चलिए, बहुत ही सुस्ती आ रही है आज और मुझे यहाँ पर पिंपल्स भी आ गया है बड़ा। नहीं बात नहीं। अरे रोज सुस्ती आती है पर सुबह आती इतने टाइम नहीं आती। अभी मेरा क्या है काम पे जाने का टाइम है तो ये टाइम नहीं आती और मैंने एकदम मोटी और गर्म मोड़ी पहन लिया हूँ क्योंकि बाहर जब रोड पे चलता हूँ ना तो ठंडी बहुत लगती है और कनपटे भी एकदम ठंडे हो जाते, बदन भी एकदम ठंडा पड़ जाता है। सेक देती हूं। सेकेंगे कहाँ तुम, रास्ते में थोड़ी आगे सेकेंगे। तो चलिए सेक देती हूं ना। चलो शबनम जाते हैं हम। महाद बाबू अल्लाह हाफिज बिट्टू, तुम्हें मिलूंगा आने के बाद। सो गाइस महाद के अब्बू काम पे जा चुके हैं और मैं उठ गई और अपनी काम की तैयारी करने लग गई। तो ये था राला, जैसे कि हमने आधा भर दिए उसमें और आधा यहाँ है और बाकी के मैं सब सामान निकाल के आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या ली थी। सो देखिए हमने इतना सामान लिए थे कि मतलब नॉर्मली चल सके करके। ये मैंने सोयाबीन ली हूँ आज बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था सोयाबीन का सालन खाने का। और ये तेल और ये तुअर मसूर दाल और ये पापड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, और धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर चना, बस इतनी चीज़ें ली है हमने, ज़्यादा कुछ राशन नहीं लिया है, अभी और लेना है हमें तो बाद में लेंगे। तो इतना है जो भी ये चले भर देते। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग काफ़ी मैंने अच्छे से ये सब सेट कर दी और ये पूरी चॉकलेट्स जो मिली थी महत को मैंने वो भी इसमें रख दी। हाँ सो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, महत बाबू को भी फ्रेश करवा दी और अभी उसको मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता कराने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और महत के अब्बू तो मैंने फ़ोन करी थी कि कब आएंगे, तो उन्होंने बोले वही शाम का टाइम उनका, तो चले यार मैं थोड़ा लेटती हूँ आराम करती हूँ फिर उसके बाद शाम में पकाने की तैयारी। तो गाइस शाम हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मात के मैं सो रही थी तो इनका फ़ोन आया बोले कि तुम नकाब पहन लो कहीं जाने का है,
अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, और जाके आएंगे तो फिर मैं खाना बनाऊंगी। और मेरे पापा अब भी जस्ट आए, उसको लेके गए थे उसके अब्बू और उसके चाचू, दोनों जन घूमने उसको, तो मैं थोड़ा सो गई थी। मैं अब भी उठी हूँ, तो अभी देखते हैं महत्व अब्बू कहाँ लेके जा रहे, पूछती हूँ उनसे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं महत्व को ले गया था बाहर, एंड वहाँ से अब हम आ चुके हैं घर पर। मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गया हूँ, मैंने उसको बाहर का बाहर ही लेके चले गया था, तब मैं फ्रेश हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं हरसुल, क्योंकि वहाँ पर एक घर है जो कि हमने देखे हैं, तो अभी जाके मतलब देखना है कि वो सब, बाकी की जो डिटेल्स है वो आप लोगों को बाद में बताएंगे, पहले हम लोग जाके घर देख लेते हैं, है क्या नहीं। इधर आओ ना सुमना, मेरे बाजू में उधर आईने में चल। माशाल्लाह माशाल्लाह, शब्बो एक नंबर हो गए भाई, दिन पे दिन क्या बात है सुमना, अच्छे दिख रहे माशाल्लाह आप। चल महत, तो चलिए गाइस फटाफट निकलते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि शाम हो चुकी है और अंधेरा भी बहुत ज्यादा ढल रहा है। तो आ जाना पापा, फटाफट हम लोग निकलते हैं। तो गाइस मिलते हैं घर पे। तो गाइस बाद में बताने से बेहतर है मैं अभी कुछ बातें बता दूं कि वहां पर हम लोग जो घर, मतलब अभी ये घर के पलटी में मतलब जो भी है, तो हम लोग घर देख रहे हैं, तो वो हिसाब से मतलब हम लोग घर देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे नसीब अपना अपना अच्छा हो या बुरा हो, तो चलिए निकलते हैं फटाफट, और वहाँ जाने के बाद देखते। तो हमारे यहाँ अरबी बाबू घूम रहे हैं। चलो 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 महाज, चलो बेटू आओ आओ आओ, चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन कमॉन। सो गाइस हम निकल चुके हैं और हम पहुंच गए हरसुल, काफी दूर है ये जो भी घर है। और जब ऐसा घर बेचने का या बिकने का सब बात होता है ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो घर में मतलब मेरी बहुत सी यादें हैं। तो खैर, तो हम ज्यादा आगे आ चुके हैं, भाईजान पीछे रह गए, तो अभी हम वापस पीछे जा रहे हैं, देखते कैसा है क्या है। मेरे को अच्छा लगा, मैं तो बहुत दूर, सबसे ज्यादा मैं तो दूर का देख के मेरा दिल नहीं कर रहा है हाँ बोलने का। अब घर देखते क्या है, बात है बात है, बड़ा टेंशन है ये सब, लोचा क्या बोलने का, पर अभी चलो देखते हैं कहाँ है। सो हमने देखे घर, अच्छा था, ठीक था घर, तो अभी देखते आगे क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं घर वापस से, मैं जाते जाते पहले बनाती हूँ खाना। क्या बनाऊँ खाना आज, देखना बना के जल्दी बनाती, पर अभी तुम यहाँ लेके आ गए तो सोयाबीन आज बनेगा, सोयाबीन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर से घर में, एंड हम बैठे थे चना वगैरह खाते हुए, तो महाज बाबू तो सो गया, महाज बाबू सो गए हैं, एंड यहाँ मैडम जी थी। क्या बना रहे मैडम? मैं बना रही हूँ सोयाबीन, और भाई साहब ने पहले बोल दिए हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं मेरी राइस लेके आऊंगा, उनके तो इतने नखरे हैं। खाएंगे खाएंगे, चलो खाएंगे, कोई कोई बात नहीं, खाएंगे इंशाल्लाह। और गाइस हमने घर देख के आए, घर अच्छा तो है, बाहर से मतलब इतना खास नहीं था, सिंगल ही है, अंदर से अच्छा है माशाल्लाह, और बहुत बड़ा है, हमारे घर से डबल है, 800 स्क्वायर फीट है, और बस थोड़ा मतलब गली एरिया वो थोड़ा सही नहीं लगा देखो, बाकी अच्छा है, क्योंकि अभी मतलब बचपन से मतलब शहर में रहने की आदत है, एकदम सडनली शहर से थोड़ा दूर हो जाएंगे तो, है क्या नहीं, समझ सकते हैं आप लोग भी। वैसे एडजस्ट होने को हर कहीं हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होएगा, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जहाँ रहने जाएंगे वहाँ पे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आदत नहीं है, बट आदत पड़ी है मतलब डालना पड़ेगी, ऐसा है। तो आइए मैडम से पूछते हैं, क्या बोलते हैं मैडम, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे को नहीं सही लग रहा, नहीं क्यों? मैं हमेशा से बम्बई में भी मैं वहाँ पर रही, अब यहाँ पे भी मैं यहाँ पे रही, डायरेक्टली मैं मतलब बहुत ज्यादा अंदर हो जा रहा है, इस वजह से मेरा मतलब नहीं है वहाँ का, मुझे नहीं जमा, नहीं जमा, चलो देखते हैं बात की बात है, क्योंकि दिन भर घर में रहना रहता औरत को, आदमी का क्या है वो चला जाता काम पे, वो बोलने का बोलता रह ले एडजस्ट कर ले, पर नहीं होता। और मेरे को कैसा बहुत ज्यादा दूर, मेन तो बहुत अंदर है, इतना अंदर है और जमा नहीं, मेरे को नहीं जमा मतलब। घर वगैरह अच्छा है बट बहुत अंदर है। मैं इनके लिए बम्बई से यहाँ आ गई,
अब ये यहाँ से मुझे बोलेंगे एकदम ही अंदर जा, तो मैं थोड़ी जाऊंगी बाबा, बस हुआ इतना दूर से, इतना दूर आ गई अब बस। अच्छा, तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा, जो भी नसीब में रहेगा तो वो अल्लाह जो भी है बेहतर ही करे, हमारे हक में भी और हर किसी के हक में। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि घर अच्छा लगा है बट बहुत अंदर पड़े आता है और बहुत मतलब अब वो कैसा एकदम नवी जगह है हमारे लिए। हमको वैसा ब्लॉगिंग के लिए कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है और वहाँ से हमको बाहर निकलने में गया, मतलब कोई भी चीज़ के लिए सीटी आओ, कोई भी चीज़ के लिए सीटी आओ, फिर सब लोग इधर ही है ना, हम लोग को आदत है, हम लोग कभी भी उठ के बाजी के वहाँ चले जाते हैं, सौलिया के वहाँ जाते हैं, बड़े गाँव चले जाते हैं, वहाँ से मेरा काम भी बहुत लंबा पड़ेगा, बहुत हद से ज़्यादा दूर पड़ेगा और बाकी भी चीज़ें बहुत दूर दूर हो जाएंगी, ऐसा है। देखते अल्लाह मालिक है, जैसा भी ठीक लगे या उससे कोई बेहतर हो तो वो भी देखेंगे, है कि नहीं शबनम? सही बोला ना। और यहाँ हमारे राजू सो गए हैं, मान बाबू कमा के आए हैं तो सो रहे हैं, क्या नहीं? और क्या बोलते हैं शबनम, क्या काम है खाने का और सोने का, तुमको क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे को कहीं के लिए प्रॉब्लम होगी? और क्या बोलते बाकी सब, मस्त ना रावस है? तुम्हारे राज में रावस ही रहेगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो गाइस चलिए खाना बन रहा है, अभी हम लोग देखते हैं कब तक खाएंगे। देखिए टाइम हो रहा है 9:30, ये जैसे कि आप लोगों ने देख लिया लग गया इनको भी। क्यों 9:30 हो रहा है? अरे मेरी माँ, सॉरी 8:30 हो रहा है, सॉरी दिमाग विमाग है नहीं, सॉरी 8:30 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं खाना बनने का इंतजार करते हैं। गन्ना बच्चा है, मस्ती करने जा रहा है, बहुत मस्ती हो रही है। तो गाइस अरे यार, अरे अरे ये बावला, ये बावला बच्चा किसका है? ये बावला बच्चा देखो ये कौन है, कौन है, कौन है लड़का, कौन है? देखे सलाम करो सबको, सलाम कर दो। अच्छा अच्छा कुछ कह दो। अरे अल्लाह, नहीं नहीं छोड़ दो, सोफे पे जा रहा है वो। तो गाइस बहुत ही मस्ती करने लग गया ये लड़का, अभी जाके एकदम खामोश बैठा है और इसके साथ कुछ यहाँ पर अभी नाइंसाफियाँ हो रही है तो इस वजह से ज्यादा मस्ती कर रहा है वो, ज्यादा चिल्ला पुकार कर रहा है। तो क्या हो रहा है आप लोगों को शबनम बताएंगे? मैं उसे दूध चढ़ा रही थी जब हो गया 2 साल का हो जाएगा ना अगस्त में, वो तो मतलब तो अभी से स्टार्ट कर दूंगी तो धीरे धीरे छोड़ेगा, तो आज सारा दिन मतलब नहीं दी मैंने उसको, अभी बस रात कैसे भी निकलना है, अगर ये रात पार हो गई समझ लो जल्दी छोड़ देगा वो, क्योंकि पर नहीं हो मतलब मुझे नहीं लगता वो रात में मानेगा, 1 से 2 बार तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे कोई है नहीं मेरे से उसको संभालने वाला, कि मतलब वो रो रहा है तो उसको ले ले, ये तो सोते रहते हैं, ये तो उठते नहीं है, अब वो मैं हूँ, अब मैं कितना उसको झेलूँगी, तो मैं दे डालूँगी अब रात में अगर रोया। तो देखते हैं इंशाल्लाह, अब देखो अब छूट जाए तो अच्छा ही है जल्द से जल्द, क्योंकि शबनम को भी नहीं अच्छा लग रहा है उसको छुड़ाना, बट ऐसा है कि अभी मतलब छुड़ाना तो पड़ेगा ही। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है सुबह से, मतलब मेरे पास ही है वो, मेरे पास आ रहा है पर मैं ना उसको दे रही नहीं हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। हेलो हेलो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा इतना बुरा लग रहा ना, मतलब मैं इसको नहीं दे रही। और ज्यादा मस्ती कर रहा है, और ज्यादा मस्ती कर रहा है, इसको दूध पर बहुत तमाशा कर रहा है। मैं आज 5 बजे काम पे से आ गया इसको लेने के लिए खाली, क्योंकि बहुत तमाशा कर रहा था तो मैं इसको लेके गया, मगरिब में लेके आया ना, फिर थोड़ा सा असर से मगरिब में उसको, मतलब मेरा दिल नहीं लगेगा उसको रात में कहीं छोड़ने के लिए, और ना मैं तो छोड़ दूँ पर मैंने मेरे बच्चे के बिना। तो गाइस ऐसी कुछ नाइंसाफियां हो रही है महाद के साथ हमारे, नाइंसाफी नहीं तो छोड़ाना तो है ही, फिर नहीं छोड़ाऊंगी। अरे तो तुमने काजू बादाम वाला दूध दिया मेरे दम दांत के उसमें वो फंस गया, तो मैं कब से उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा। तो मतलब अभी नहीं तो बाद में तो छोड़ाना ही, तो इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर दी उसको छुड़ाना, कि अगले महीने तक का वो पूरा प्रॉपर छोड़ दे, मतलब ऐसा या ऐसा
तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा, आप लोगों को तो मालूम पड़ता ही रहेगा है कि नहीं गाइस। जैसा कि आप लोगों ने सही सुना कि मात का भी मतलब उसको फीडिंग कराना छुड़ा रहे हैं, तो देखते हैं अल्लाह आसान करे, क्योंकि कैसा है अभी मतलब 2 साल का हो जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। सब बोलते हैं नहीं पिलाना चाहिए, तो हम लोग वही वजह से हम लोग भी छुड़ा दे रहे हैं कि नहीं पिलाएंगे तो बेहतर है, तो इसकी कोशिश जाए तो आप लोगों को बताएंगे कि इनका मुंह इतना खुलता है कि इनके साथ साथ मेरा भी मुंह खुलने लग जाता है। तो आप लोगों को बताएंगे कब तक क्या छोड़ेगा, कैसा छोड़ेगा, तो अगर वो सक्सेस हो गया उसका प्लान, तो उसकी टिप्स आप लोगों तक भी पहुँचेगी जरूर इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस, टिप्स क्या है, मैं इसको खिलाती जा रही हूँ, तो उसका मतलब वो जब वो मांग रहा है तो मैं मतलब उसको बहला दे रही हूँ कि बेटा बहू है बहू है बोल के। तो गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज का हमारा दिन भी यही ख़त्म होता है। और जब आप लोग में से भी कोई अगर बच्चे को मतलब ऐसा फीड कराना छुड़ाने वाले रहते हैं तो वाकई मतलब बुरा लगता है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, हर बार की तरह इस बार भी प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।